तो गाइज वो दो दे रहा था, एक 450 का, एक 550 का, दोनों ही बहुत बढ़िया वाले थे, पर पता नहीं क्यों मुझे वो थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव लगे। अब मैं सोच रहा हूँ डीकैथलॉन के ऐप। तो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब? बी फॉर ब्लॉगिंग के एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं, पापा कॉल आ गया कि वो आ गए हैं। मैं तो अपने रूम की हालत दिखाता हूँ। ये जब का हाल है जब मम्मी घर पर नहीं होती है। मैंने संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन रात तक आते आते मैं थक गया। मैंने एक बार टोकरा भर के 2 घंटे लगा के बर्तन मांजे, दूसरी बार मैंने कहा नहीं मुझसे ना हो पाएगा, पर अगर मम्मी थकी होंगी तो मैं आज एक और बार कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस कभी भी पापा आ जाएंगे। पापा कॉल आ गया कि वो सदर थाने के पास आ गए। रूम की हालत देखो, ये हमारा नमन सो रहा है। नमन पापा आने वाले हैं, आर यू एक्साइटेड बड़ी माई डियर बड़ी? बोले कि पापा आ गए। वो बाप रे, तो खड़ी हो गई। 2 मिनट हैं अभी, आप 2-4 मिनट हैं अभी, रुक जा। बैठ गया पापा के नाम से, एकदम से खड़ी हो गई। कहाँ है पापा? आ रहे हैं, चिंता मत कर। गाइस देखो रूम की हालत देखो, इधर मैंने सारी चाबियाँ वाबियाँ सब इधर रखी हुई थी। मैंने पैसे वैसे वैसे 10-20-50 रुपए रह गए थे वो सब। इधर नमन सो रहा है, इधर ब्लैकी खड़ी हो गई। स्ट्रगल इज रियल, कैसा रहा आपके पीछे से पता है? हमने कमरा कितना साफ सुथरा तरीके से रखा है देखो, एक एक चीज़ एकदम क्लीन करके अपनी अपनी जगह पर पड़ी है। यहाँ हमारे अंडरवियर बने हैं और पुराने कपड़े। बस एक चीज़ है जो मुझसे नहीं हो पाई, वो है दोबारा बर्तन जो मैं कर दूंगा। मैं मम्मी दोबारा बर्तन मुझसे हुए ही नहीं, मैंने कोशिश बहुत की थी। देखो हाँ ठीक है मैं कर दूंगा सुबह, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोबारा बर्तन करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। नमन ब्रो उठ जाओ, पापा आ गए। दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं नहा धो के आ चुका हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पहले फटाफट मंदिर हो जाता हूँ। और आज सबके नाश्ते बने हैं चीले, और ये पता नहीं इसमें सफ़ेद सफ़ेद सा क्या है। मेरी थोड़ी सी नमकीन पड़ी है जो मम्मी को लगा था कल ख़त्म हो गई, लेकिन कल हमने बिल्कुल भी नमकीन नहीं खाई है। कितने पड़े हैं? 2.5 चीले पड़े हैं। एक मम्मी, 2 मेरे होंगे, आधा मम्मी का होगा, क्योंकि मम्मी ऐसी हैं जो अपना मोस्टली खाना छोड़ देती हैं। मैं फटाफट मंदिर चलता हूँ। ब्लैकी तुम्हें चलना है मंदिर? भाई तुम मंदिर जाके क्या ही करोगी, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक ठाक सा लग रहा है ये चीला, इसे खा के देखू कैसा है। मोम उसी मैच से बनाई है। भाई शाम के 4:15 हो चुके हैं और मैं अभी अभी सो के उठा हूँ, और कुछ लोग अभी तक सो रहे थे। जैसा कि आपने देखा अभी कैमरे को देख के, लोग बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं कैमरे के आगे, वक्त सूरत और सब कुछ बदल जाता है। और मॉम आज आज रात को खाने में क्या बना रही हो? गाइस पुलाव? सही में? क्या प्याज टमाटर और सोयाबीन डाल के? सही है। मेरी नमकीन किधर है जो सुबह यहाँ पे पड़ी हुई थी? इसी में से निकाली थी ना आपने? हाँ देना, थोड़ी सी वो ले लेता हूँ, थोड़ा सा एक आधा आम पापड़ का पीस ले लेता हूँ। आम पापड़ नहीं खाया मैंने, मैं थोड़ा सा लिया था और इसका फ्लेवर प्रॉपर ऐसा वाला था जैसे जम्मू में मिलता, वैसा ही सेम, मुझे बहुत पसंद है वो वाला। वो कहते आज मैं अपनी छुट्टी मना रहा था, आज मैं बोर हो रहा था। बोर वाली बात नहीं है, दरअसल बात ये थी कि कल पूरा दिन मैं बैठा था, तो मैं सोचा था कि आज मैं ब्रेक लेता हूँ, आज यहाँ पर नमन बैठे। गाइस पापा लेकर के आए हैं मस्त मस्त आम पापड़। मुझे वाले आम पापड़ बहुत पसंद है, आगरा में ऐसे मिलते नहीं है। अगर ऐसे मिलते हो तो मैं भर भर के ला के रख दूँ। अभी इसकी पैकेट खोलते हैं और आराम से इसका एक एक स्लाइस लेते हैं। इसके अंदर 10 से 12 स्लाइस होते हैं। देखो पैकेट से बाहर निकल के ऐसा लग रहा है, कलर बड़ा प्यारा है इसका, खट्टा मीठा सा होता है। फटाफट इसका एक स्लाइस ले लेता हूँ, ये ऊपर आधा सा है यही वाला उठा लेता हूँ, ये बस ये थोड़ा सा और ले लेता हूँ, ये बस इतना ही बहुत है। गाइस हम ब्लैकी से साइन लैंग्वेज में पूछ रहे हैं, ब्लैकू चावल खाओगे? चावल देखते हैं। ओह खाएगी खाएगी, देखो इसकी पूछ ऐसे क्वेश्चन मार्क जैसी होती है जो पकड़ लेती है। ब्लैकू खाएगा? ये काट नहीं खाती है, सिर्फ ऐसे दिखाती है। ब्लैकू गंदा बच्चा। और ये देखो गाइस, ये मेरा एक भाई है छोटा जो बैठा हुआ है अपना ओवर लिमिट मोटा पेट निकाल के, और ये मेरी आलसी माँ है जो यहाँ पे बैठी हुई है। क्या कर रही हो आप? ये अरे कहानी सुन रही हूँ। किसकी? महाराज की। कल से हमारे नमन महाराज 2.5 किलो मैकरोनी, 2 लीटर पेप्सी लेके आते आपस में। ओ तो मेरे सुबह 4-4 बजे उठ के घेवर खा जाते हो, वो हमारे घर की सारी मिठाई तुम खाया थे, क्योंकि मैं मम्मी और पापा कभी मीठा नहीं खाते, कभी खीर भी हमारे यहाँ बनती है। अबे मेरी बला खा, मुझे नहीं है खाता है ना। क्या लेना है? क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया है, पट्टी लगा सकते हैं अब इसमें। मैं कहाँ आऊँ? और ये चावल बन गया तो थोड़े से दे देना,
पहले मैं सोच रहा था सुबह एक घुट कोल्ड ड्रिंक का मार लूं, मार लेना चाहिए था, फिर सोच रहा एक चम्मच नमकीन का ले लूं, फिर अब मुझे दिखेगी ना चीज, अब मैं खा लिया करूंगा, अब मैं नहीं सोचा करूंगा कि बाद में लूंगा या नहीं। एक घुट नहीं पिया था, आज पिया है उसको। किस में से? कोल्ड ड्रिंक में से एक घुट। मम्मी दो दो गिलास भर के, वो भी कैसे, अभी पी लिया, फिर उसके बाद एक मिनट बाद फिर लेने चला गया, फिर ये तीसरा लेने आ रहा था, फिर मैंने छीनी है। किसी बात की सुनो, मुझे सबकी सच्चाई पता है, अब शांत हो। कल एक घंटे तक जेट किसने चालू रखा था? कौन कह रहा है एक घंटे तक चला है? टाइम नोट किया तुम्हारी ब्लॉग में। तू एक दिन में तू एक दिन 800 रुपए का राशन खा गया था। मैं 40 मिनट में आया हूँ ना, हाँ, और उसके आने के 10-15 मिनट बाद में पता चला है। ठीक है, जेट चल रहा है। ठीक है, तू जब भी 800 रुपए का राशन खा गया एक दिन में। तो गाइस मस्त, मेरे चावल रेडी हो चुके हैं, मैं फटाफट अपना खाना खाऊंगा और उसके बाद हम लोग एक आध इम्पोर्टेंट काम करने जाएंगे। अंधेरा होते ही रात को ट्रैफिक लाइट्स बड़ी मस्त सी लगती हैं, ट्रैफिक लाइट्स नहीं गाड़ियों की लाइट्स, ऐसे रात में टिम 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 सी जलती रहती हैं। आज कोई पुलिस वाला नहीं है यार। रात का टाइम हो गया और मैं रेजिस्टेंस बैंड लेने जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं नमन को साथ में ले जाऊँ, और मुझे पता है सुन के हंस रहा है, लेकिन ये कह नहीं रहा कि ये हंस रहा है, इसका भी संग में जाने का मूड है। चल तू चल ले फटाफट, चल रेजिस्टेंस बैंड लेके आ रहे हैं। देखो इसने मेरा पैर पकड़ लिया, चल मैं तुझे माफ़ करता हूँ, तुझे आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन मैं तुझे संग में अब जिम नहीं लेके जा सकता, अब हम अलग अलग टाइम पे जाया करेंगे, क्योंकि तू हंसाता है और खेलता है, तो मैं आज इतने वेट्स उठाता हूँ। अगर मम्मी मैं 40-45 किलो से वन आर्म रोइंग कर रहा हूँ और अगर वहाँ मुझे कोई हंसा रहा है तो या तो वो बेवकूफ़ है या फिर वो चाहता है मुझे चोट लग जाए, क्योंकि 45 किलो क्या छायांग मुझे नहीं हंसा रहा था, छायांग तेर से बात कर रहा था। तो बोलो मेरी चप्पल दे मेरी, हाँ बार बार कर ले। और ये आपने क्या जोकर वाले कपड़े पहने हुए हैं, ये पिंक सलवार और शर्ट, ये कपड़े, ये कोई कपड़े हैं? ये सुपर कॉम्बिनेशन, नई फैशन ब्रांड लॉन्च करूंगी ना मैं, तो उसको पहले खुद फर्स्ट में ट्राई करूंगी। कौन सी प्रीति सिंह घट बुद्धि, ओह माय गॉड, मारना मत, चप्पल गिर गई, अब ऐसे चप्पल गिर गई, एक्टिवा की चाबी लो। तो गाइस दुनिया भर का घूमने के बाद हमें कहीं भी हमारी पसंद का रेजिस्टेंस बैंड नहीं मिला, जहाँ मिल रहा था बहुत महंगा मिल रहा था, तो अब हम लोग फटाफट घर के लिए निकल रहे हैं। हम लोग थोड़े से लेट हो गए, एक जगह मिला था लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही मुँह फाड़ रहा था, वो 550 के समथिंग कह रहा था, मतलब मेरा लास्ट वाला 250 का था, मैंने अमेजोन पे 250 का देखा था, फिर वो मुझे क्वालिटी में डिफरेंस बता रहा, मैंने कहा अगर तू 300 का दे तो मैं ले लूँगा, तो वो कहता है नहीं नहीं हो पाएगा, मैं कहा ठीक है तो इसे रख ले तू। अब हम घर के लिए निकल रहे हैं, रास्ते में देखो पुलिस थाना है, ये उनकी पुलिस वालों की गाड़ियाँ इधर। तो गाइस वो दो दे रहा था, एक 450 का एक 550 का, दोनों ही बहुत बढ़िया वाले थे, पर पता नहीं क्यों मुझे वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। अब मैं सोच रहा हूँ डीकैथलॉन के ऐप पे देख लूँगा कितने का है और उसी से मंगा लूँगा। मैंने उसको बोला मुझे ग्रीन वाला चाहिए, वो कहता ग्रीन वाला है नहीं, ग्रीन वाला इतना महंगा नहीं आता, और मुझे रेड वाले की ज़रूरत भी नहीं थी, जो उसके पास था रेड और येल्लो था, तो डीकैथलॉन से ही मंगाना पड़ेगा।